नंबर पांच, मुसीबतों में क्या करना चाहिए, नाकामी के वक्त क्या करना चाहिए। आदमी को पांचवी चीज ये करना चाहिए कि एक तो अपना जहन तो पुख्ता किया, दूसरा ये कि वो कोशिश भी करे। यानी कि आदमी घर में बैठ के ख्याली बाग बना रहा है कि नहीं इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा, उसको कोशिश भी करना चाहिए। अगर उसको जॉब चाहिए, वो जॉब के लिए कोशिश करे। तिजारत करना चाहता है, एक जगह फेल हो गया दूसरी जगह कोशिश करे। निकाह का मामला है, एक जगह नहीं दूसरा रिश्ता देखे, मायूस ना हो। अगर वो दुनियावी एतबार से इलाज कुछ कर रहा है, बीमारी का इलाज कर रहा है, एक डॉक्टर नहीं दूसरे डॉक्टर के पास जाए। तो कोशिश ना छोड़े, कोशिश छोड़ना उससे अच्छा है कोशिश करना। आदमी कम से कम कुछ ना कुछ नतीजा निकलने की उम्मीद होती है, कोशिश छोड़ देने में नतीजे की उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है और आदमी का जहन ख़राब हो जाता है। अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूल अल्लाह अअक़िलुहा व अतवक्कल व उतलिक़ुहा व अतवक्कल। कहा, ये मेरा ऊँट है, इसको मैं बांध के अल्लाह पे भरोसा करूँ या खुला छोड़ दूँ और अल्लाह पे भरोसा करूँ, कहीं नहीं जाएगा। ऊँट नहीं खोएगा भाई, तो बांध के इस पे अल्लाह पे भरोसा रखूँ या इसको खुला छोड़ दूँ, कहीं नहीं जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखूँ, क्या करूँ, दोनों में से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए है। कहा, अक़िलहा व तवक्कल, का अच्छे से उसको बांध और अल्लाह पे भरोसा रख। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, दोनों फेल। एक वो हैं जो अल्लाह 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 पे भरोसा रखते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। वैसे ही जैसे एक इंसान अल्लाह पे भरोसा रखे नमाज ना पढ़े, जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। कोशिश करनी पड़ेगी, जन्नत की भी करनी पड़ेगी और दुनिया की भी करनी पड़ेगी। तो एक वो आदमी है जो अल्लाह पर तवक्कुल के नाम से कोशिश छोड़ देता है, ये फेल है। क्योंकि तवक्कुल नहीं कहते इसको, तमन्नी कहते हैं। तवक्कुल वो होता है जिसके साथ कोशिश भी होती है। हज़रत मरियम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब वादा किया तो कहा कि जो पेड़ है उसकी शाख को हिलाओ, तुम्हारे लिए खजूरें गिरेंगी। उलमा ने कहा, अल्लाह बगैर हिलाए भी दे सकता था, लेकिन कोशिश के लिए कहा। तो एक इंसान कोशिश भी करे और अल्लाह पे भरोसा भी करे। दूसरे वो लोग हैं जो कोशिश करते हैं भरोसा नहीं करते। ऐसे थोड़ी देगा अल्लाह, हम नहीं करे तो देता क्या अल्लाह, दे सकता क्या। ये कुफ्र है कि हमारी कोशिश का मोहताज हम अल्लाह को माने। अल्लाह हमारी कोशिश के बगैर भी दे सकता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कोशिश करो मैं दूंगा, तुम कोशिश करोगे मैं अता करूंगा। तो कोशिश और भरोसा दोनों को जमा करना, ये क्या है, इंसान के लिए मुसीबतों में निकलने का रास्ता है। तो इस हदीस को इमाम तिर्मिदी ने रिवायत किया। तो पहली चीज़ हमने देखी कि दुनिया की परेशानियां या दुनिया की नाकामियां एक इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं, गमगीन करती हैं, फिक्रमंद करती हैं। आदमी को चाहिए कि वो कोशिश भी करें और अल्लाह पर भरोसा भी रखें।